अम्मा मोहतरमा गलती से प्याज ले आई है ढेर सारा। अब उनका कहना ये है कि इस प्याज को काटो और इस कढ़ाई में डालकर इस सारे प्याज को फ्राई करो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसके बाद ग्राइंड करो, पाउडर बनाओ और फिर उसको संभाल दो ईद के लिए। अब मुझे बताओ गाइस, क्या ये जायज़ है इतना प्याज काटना, वो भी गर्मी में? मैं भी आ गई हूँ कमरे में पंखा लगा के, आराम सुकून से करूँगी। मैं पागल हूँ कि मैं गर्मी में करूँ किचन में खड़े होकर, और अपनी आँ मुझे कहती हैं कमरे में बैठ जाओ और पंखा लगा लो, एग्जॉस्ट फैन ऑन कर लो और दरवाज़ा कर लो बंद, ताकि अंदर जो कुछ हो मेरे साथियों के बाहर वाले को कानो कान खबर ही ना लगे। सो गाइज, यहाँ पर मैंने इन प्याजों से जो है तो छिलका उतार दिया है, इनसे तो छिलका उतर गया, लेकिन जो मेरी आँखों में से पानी निकल रहा है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। वो आपको ये प्याज देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा, वो ही पंखे के नीचे। अब इनको काटना है, काश कोई ऐसा जादू होता, मैं चुटकी बजाती, मैं ऐसे करती, ये कट जाते। अभी मजा आएगा ना। गाइस फाइनली यहाँ पर सारे प्याज जो है तो कट चुके हैं। तो कौन सा तीर मारा? खैर इतना भी आंखों में नहीं गया, लेकिन आंखें बहुत सवेर वाली जल रही हैं। और ये रहे प्याज के छिलके और ये रहा प्याज। अब इस प्याज में मैं डालूंगी ऑयल, थोड़ा सा मैंने बाकी का यहाँ निकाल दिया, थोड़ा सा इसमें रहने दिया, तो इस थोड़े से में हम डालेंगे ऑयल। लेट्स सी कि कितना डलता है, ये तो मैं पूरा पैकेट भी डालूँ तो शायद कम ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, लिटरली मैंने तो पूरा पैकेट डाल दिया। ट्रे ले लिया और ट्रे में रखती है अखबार। अब इस अखबार के ऊपर मैं प्याज को फ्राई करके रखूंगी। जो है तो वो यहाँ पर फ्राई हो रहा है, ये देखिए इतना क्यूट होता है, इतना क्यूट होता है ना, मुझे बड़ा पसंद है, मैं तो बहुत प्याज खाती हूँ, आई लव इट। गाइस प्याज जो है तो फ्राई हो रहे हैं, अभी ये सिर्फ इनका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हुआ है और प्याज जो है तो वो मुर्दा हो गए हैं। पहले जिंदा थे, इसको फ्राई करने के बाद ये मुर्दा हो गए, और ये आप इसलिए करते हैं ना ताकि आप प्याज को, अगर आपके घर में ज़्यादा प्याज आ गया ना तो आप उसको स्टोर कर सके, जब ये सूख जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, इसका पाउडर बनेगा, फिर उसके बाद इसको अगर आप कौरमा बनाते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, इसको स्पेशली पुलाव में अगर आप ऐड करेंगे ना, क्या मज़ा आएगा, क्या मज़ा आएगा। देगी कि चावल इसीलिए टेस्टी होते हैं, उसमें एक अलग सा टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी वाला प्याज इस्तेमाल नहीं करते, वो ये वाला प्याज इस्तेमाल करते हैं, ये ब्राउन प्याज जो होता है, जिस तरह जो भी ये फ्राई करके इसको हम पाउडर बनाएंगे ना, बिल्कुल ये वाला इस्तेमाल करते हैं, और इससे जो खाने में एक अलग ही टेस्ट आता है, अलग लेवल का। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डालेंगे हम आहिस्ता इस प्याज का कलर हो रहा है चेंज, देखें प्याज हो चुके हैं इस तरह के ब्राउन। बताती हूँ इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी कि मैं तो कर रही हूँ प्याज फ्राई, और हर जगह के जो शीशे हैं, वो शीशे कहती हूँ, पंखे वगैरह हैं, वो सब कुछ बंद है, तो मैं इधर आके बैठ गई हूँ फ्रिज के पास, और मैंने खोल लिया फ्रिज, अब इसमें से आ रही ठंडी ठंडी हवा, और अपन का टाइम पास हो रहा है, अंदर प्याज फ्राई हो रहा है, प्याज फ्राई हो जाए फिर जाते हैं निकालते हैं और फिर वापस अपनी इसी जगह पर आते हैं, क्योंकि ये लोग गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं।